माँ जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर्स हमें पुनर्जन्म देते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में सफ़ेद और नीले कपड़ों में हॉस्पिटल्स में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो ईश्वर का ही रूप हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हमारी या हमारे अपनों की रक्षा करते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। आज यानी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज ही के दिन भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी का जन्म हुआ था। COVID-19 की दहशत का साया समूची दुनिया में मंडरा रहा है। इस संक्रमण ने लाइफस्टाइल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वहीं इस अदृश्य दुश्मन से दो दो हाथ करने में दिन रात हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य योद्धा जुटे हुए हैं। क्या उन्हें संक्रमण का खतरा नहीं है, या उनका परिवार नहीं है, या उन्हें मौत का खौफ नहीं सताता? जी नहीं, उन्हें संक्रमण का खतरा आपसे हमसे कहीं अधिक है, क्योंकि वे लगातार कई कई घंटे संक्रमित मरीजों के बीच रहकर उपचार कर रहे हैं। ड्यूटी के बाद घर जाना चाहते हैं और परिवार के सदस्यों से मिलना उनके लिए हम सबसे ज़्यादा खतरनाक है। भले वे संक्रमण से बचने के सारे उपाय अपनाते हैं, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा खतरे में हैं। आप स्क्रीन पर कुछ द्रवित कर देने वाली तस्वीरें देख रहे हैं। तो अंत में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करने वाले ईश्वर रूपी इंसानों से हम हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे, थैंक यू डॉक्टर्स। आप सभी मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, थैंक यू डॉक्टर्स। और जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हमारी ईश्वर से यही कामना है वो जल्द से जल्द डॉक्टर बन करके अपने देश की सेवा करें।